हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइन टेक वीडियोस। हाजा हम गुंटूर में स्टेशन मास्टर के लिए मेडिकल करने के लिए आए हैं। अभी आज नहीं है मेडिकल एग्ज़ाम, कल है, इसलिए डीवी के बारे में हम सब कुछ बताने वाले हैं। जयपुर से उमेश ब्रदर सेलेक्ट हुआ है, वो सभी बताने वाले हैं हमको। ओके ना फ्रेंड्स, मैं तेलुगुलो कूडा नेनु तर्वात चेप्तानु अंदरिकी कूडा, मन तेलुगु वाळ्ळु एवरैते उन्नारो వాళ్ళందరికీ నేను తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను బ్రదర్ చెప్పిందల్లా. మీరు పూర్తిగా వీడియోని అయితే చూడండి, ఓకేనా? హిందీ వాళ్ళం పూరా వీడియో దేఖర్ అప్ సభి డౌట్ క్లియర్ సక్తే హో. ఓకే బ్రదర్ ఉమేష్, ఆప్కి బారే మే సబ్ కుచ్ బతాయి, ఆప్కి ఎగ్జామ్ కి బారే మే, సిబిటీ వన్ సైకో, ఓకే ఠీకేనా? జీ, మేరా సెలెక్షన్ స్టేషన్ మాస్టర్ స్టేషన్ మాస్టర్ సైకో స్టేషన్ మాస్టర్ కే లియే హువా తా. और उसमें मतलब आपको पता ही है, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड और साइको कंप्लीट होने के बाद फिर फाइनल मेरिट बनती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। फिर मतलब मेरे को जो डीवी की डेट है वो 10 तारीख को सुबह मतलब मॉर्निंग में 9:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम दी गई थी। फिर इसके लिए फिर मैं मतलब हमारे जयपुर से मैं 8 तारीख को रात को 10:30 बजे जयपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में बैठ के फिर मतलब सुबह यहाँ पे 10 तारीख को सुबह 7 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था। फिर उसके बाद बिल्कुल स्टेशन के 2 किलोमीटर के पास में ही, सिकंदराबाद स्टेशन के 2 किलोमीटर पास में ही आरआरबी का ऑफिस है, वहाँ आप जाइए, 9:30 बजे रिपोर्ट कीजिए। 9:30 बजे रिपोर्ट करके आपके सीरियल नंबर के हिसाब से आपको एक एक करके बुलाया जाएगा। एक एक करके बुलाने के बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा। अंदर ले जाने के बाद अगर आपके साथ कोई आया है तो आपको बैग और मोबाइल आपको बाहर रख के जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी नहीं ले जा सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक केस हो गया था ऐसा, जो एक मोबाइल लेके गया था उसको बाहर कर दिया था डीवी से। अब पता नहीं उसको मतलब बाद में क्या किया है नहीं किया, लेकिन बाकी वो डीवी से बाहर कर दिया था उस टाइम तो उसको। फिर ऐसे करके मतलब कल जो 10 तारीख को सुबह हमारे 90 स्टूडेंट का हुआ था डीवी, 90 स्टूडेंट का होने के बाद मतलब तीन हॉल में 30-30 करके बिठाया गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों हॉल अलग अलग थे। मतलब एक हॉल में आपके 30 लड़के हैं तो 30 से आप आपस में मतलब थोड़ा बहुत पास में बैठ के डिस्कस कर सकते हो। सबको कुर्सी पे बैठाया गया सबको, और मतलब साइड में जो TCS के कर्मचारी थे और अपने सामने जो बैठे वो डीवी करने वाले थे, है ना? तो वो सबसे पहले मतलब एक जो आदमी था उसने 10 लोगों का डीवी किया था। इसका मतलब 90 स्टूडेंट के लिए 10 कर्मचारी थे, मतलब 10 कर्मचारी वो रेलवे के थे, TCS के 3 थे और रेलवे के 10। सबसे पहले आपको मतलब सीरियल नंबर से बुलाया जाएगा, सीरियल नंबर से ऐसे सबको एक साथ बुलाया जा रहा था। जैसे हमारी रो में मतलब मेरा नंबर था 73, तो मतलब 61, 71 और 81 ऐसे करके रो नंबर से बुलाया जा रहा था। और मतलब सबसे पहले तो आपकी जो TCS वाले हैं वो आपकी प्रेजेंट लगाएंगे, वो आपको 3 TCS वाले बैठे हैं, वो आपको CBT फर्स्ट, CBT सेकंड और साइको, जो तीनों टेस्ट आपने दिए हैं उनको वो वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, फिर वो CBT फर्स्ट पे जाना है आपको काउंटर पे, CBT फर्स्ट वाला आपका वेरीफाई करेगा, आपके एडमिट कार्ड पे लिख देगा CBT फर्स्ट वेरीफाइड। फिर CBT 2 पे जाएंगे आप, फिर CBT 2 वेरीफाइड लिख देगा, आपके मतलब जो थंब इम्प्रेशन लगवाएगा और आपकी फ़ोटो खींचेगा। फिर उसके बाद थर्ड पे जाना है, फिर वो आपको वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद फिर आपको जो सीरियल नंबर है मैं बता रहा हूँ, जैसे 61, 71, 81 इस हिसाब से मतलब आपके सामने तीन कर्मचारी बैठे हैं, वो 3 के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा एक एक करके सीरियल नंबर के हिसाब से। क्योंकि एक जो रेलवे का कर्मचारी है, एक 10 लोगों का डीवी ले रहा था वहाँ पे, मतलब ये, लेकिन टाइम बहुत लग रहा था वहाँ पे मतलब। और जो उनके हिसाब से अगर उन्होंने बोला है कि मतलब बहुत जल्दी फ्री हो गए हम, 11:30 बजे फ्री हो गए, हमको 3 बज गए थे, बहुत मतलब वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, मतलब ये हो रहा था वहाँ पर प्रॉब्लम। फिर एक एक करके बुलाया गया, मतलब आपके सबसे पहले तो जो आपको जो एडमिट कार्ड है उस पर देखेंगे वो कि वेरीफाई है या नहीं है, मतलब अगर आपका तीनों वेरीफाई अगर वहाँ पे लिखा हुआ है मतलब वो TCS के कर्मचारी लिख के दे देंगे आपको एडमिट कार्ड पे, फिर आप वेरीफाई हो। वेरीफाई होने के बाद फिर वो आपसे मतलब डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो भी है, मतलब वो पहले आपके एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ उनके पास अवेलेबल रहते हैं। और सबसे एक बात और बताता हूँ, मतलब डीवी से पहले जो आपने CBT फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो आपको मतलब हैंड राइटिंग से लिखाते हैं ना वहाँ पे जो खाली बॉक्स में, वो आपके एडमिट कार्ड आपको देंगे। फिर आपके पास एक परफॉर्मर रहेगा, परफॉर्मर में आपको मतलब आपकी फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो लगा के मतलब CBT फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 बॉक्स रहेंगे खाली,
तीनों में आपको उसके हिसाब से लिखना है। जो आपने CBT फर्स्ट में लिखा वो CBT फर्स्ट बॉक्स में लिखना है, जो CBT टू में आप वहाँ पे लिख के आए तो CBT टू में आपको कॉपी करके लिखना है, वो आपको तीनों एडमिट कार्ड दे देंगे। और आपके 6 बार तो साइन होंगे, मतलब 6 बॉक्स है उसमें साइन करने के, मतलब उसी परफॉर्मर में 6 राइट हैंड के थंब लगेगा और 6 लेफ्ट हैंड के थंब लगेंगे, ऐसे वो परफॉर्मर है। फिर वो उनके पास जाएगा, फिर वो देखेंगे उसको, फिर आपकी जो रेलवे का जो एडमिट कार्ड है ना, रेलवे की डिटेल, आपकी जो फॉर्म की डिटेल है वो सब उनके पास रहेगी। फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो 10th से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो आपके 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री देखेंगे। मार्कशीट अगर आपके पास नहीं भी है तो वो डिग्री से काम चल जा रहा है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और डिग्री नहीं है तो मार्कशीट से काम चल जा रहा है, मतलब या तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब ऐसा है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर की, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री होने के बाद फिर वो आपको आपकी जो 2 सेट आपको बना के लेके जाने, उस पर आपके साइन होंगे और आपको डेट लिखनी होगी। भाई एक डाउट, साइन मींस केवल साइन है, आपके नाम और रोल नंबर भी नहीं? ओनली साइन उस पर लिखना है, सेल्फ अटेस्टेड और फिर सिग्नेचर, और फिर आपको जिस दिन आपका DV है उस दिन की आपको डेट डालनी है। हाँ, सब पे, मतलब जो भी आप मतलब वहाँ पे दिखाओगे उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, मतलब कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए नहीं आपको, मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए मैं आपको बोल दिया मार्कशीट या डिग्री, और जिसकी जो कास्ट है उस हिसाब से उसको वो चाहिए। और नाम वाम में मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, मतलब वो एडजस्ट कर रहे हैं कैसे भी करके, मतलब जो भी उनकी प्रोसीजर है वो बता देंगे आपको, ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, मतलब DV में तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से। तो फिर वो ऐसे करके मतलब आपका DV हो जाएगा। फिर 3 मतलब सीरियल वाइज है, 3 और 1 लास्ट कर्मचारी बैठा है जो वो सबको एक साथ वेरीफाई कर रहा है। वो उसकी आप फिर भी उसके बाद वो मतलब आपकी फ़ाइल बनके उसके पास जाती जा रही है, वो सीरियल नंबर से आपको बुलाता जा रहा है, सीरियल नंबर से। फिर वो आपके एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है, वापस चेक कर रहा है, रीचेक कर रहा है वो, मतलब एक तरह से कि मतलब कोई गलती हो नहीं जाए। कई बार कोई मिस्टेक हो रही थी तो वो वापस से मतलब जो DV कर रहे थे उनको बोल रहे थे कि मतलब कि आप ये चीज़ सही कर दीजिए, ये चीज़ सही कर दीजिए। और कोई ठीक है भाई, डेट के बारे में बताइए। मार्कशीट में सारे विद्यार्थियों के मार्कशीट पर PC ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल डिग्री है ना, इसमें हमको डेट एंड ईयर मंथ लिखा हुआ है, इसके बारे में बात कर रही है, आपको चेक किया हो? नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ चेक किया नहीं डेट मंथ, लेकिन बाकी मेरी डिग्री में ये देखा था कब पास आउट है। हाँ, ये उनको देखना, वहाँ मतलब वो डेट ऑफ पास इसलिए देखेंगे कि मतलब आपने वो फॉर्म लगाया उस टाइम पे आप, मतलब उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हुई थी या नहीं हुई थी, वो आपके फॉर्म लगने से पहले आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा है तो वहाँ पे करने के बाद फिर आपकी एक बार और आपकी अटेंडेंस होगी, एक बार आपकी अटेंडेंस लगेगी, वो आपको प्रेजेंट दिखाएगा। फिर एक मैडम है वो जो अब फॉर्म भरवाया था मतलब 10 दिन पहले, जो फोटो लगा था उसमें, और जो ऑनलाइन में जो अपन को अपलोड करना था, एक तो नई फ़ोटो अपलोड करना था, नई फ़ोटो अपलोड करने के बाद उसमें वो आपके जो दो बॉडी मार्क्स, दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, वो आपको मतलब वो मैडम पूछेगी आपको आके, तो आपको वहाँ पे मतलब आपको बताना है कि हमारे बॉडी मार्क्स ये है, और वो मैडम वापस से आप जो मतलब आपने फॉर्म भरा था ना वो उनके पास जमा है, वो उसी में ही वो मतलब लिख लेगी उसमें, जो मैडम मतलब हमारे तो मैडम थी तो वो लिख ली थी उन्होंने लिख के, और फिर मतलब ऐसे DV हो गया था। फिर मैं आपको मेडिकल का बताता हूँ हमारे, क्योंकि 30 बंदे थे हम, मैं 30 का बता सकता हूँ, है ना। बाकी सब दूसरे हॉल में थे, अब कोई ऐसे बोल रहा मेरे को तिरुपति दिया है, कोई बोल रहा मेरे को कहाँ दिया है, मेरे को इतना आइडिया नहीं, लेकिन हमारे 30 का मैं बताता हूँ। जो 61 से 75 तक मतलब 15 स्टूडेंट का गुंटूर में यहाँ पे दिया गया है, हाँ, और 76 से ले सीरियल वाइज कहाँ से कहाँ 61 से 75 गुंटूर में, ओके, है ना, सीरियल वाइज बिल्कुल आपके वहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो आपकी मेडिकल स्लिप है वो अभी मेरे पास है नहीं, मैं दिखा देता। 61 से लेके 75 तक आपको गुंटूर में दिया गया है, और 76 से लेके 90 तक काजीपेट में दिया गया है, काजीपेट में। ऐसे मतलब 30 जनों का मेरे को पता है मतलब पूरा मेडिकल का। फिर वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे काम हो रहा था वहाँ पे, लेकिन फिर 3:30 बजे के समथिंग 3 PM हमको मतलब फ्री कर दिया गया कि आप जाइए। और अब मतलब अंदर कितना बजे अंदर आए थे हम? 9:30 AM हम अंदर चल गए थे, लगभग 6 घंटा
हाँ, लगभग 6 घंटा हुआ है। फिर मतलब हमको बैठाने में मतलब थोड़ा टाइम लग गया था, 10 o'clock से मतलब सब कुछ स्टार्ट हो गया था। मतलब सब कुछ स्टार्ट होने के बाद फिर मतलब जो मैं आपको प्रक्रिया बताऊँ सब कुछ होगी, मतलब डीवी में तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन मैं आपको जो भी डीवी कराने जा रहा है भैया, सब आप मतलब नाश्ता वास्ता करके जाइए, ब्रेकफास्ट करके जाइए, आप वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली, मतलब टाइम लगता है। देखो मतलब वहाँ पे सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद चेन्नई की जैसे नहीं, हाँ ऐसा पता नहीं, लेकिन बाकी आप ब्रेकफास्ट, मैं भी ब्रेकफास्ट करके गया था, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतना टाइम लगने वाला है। मैं देखा 11-12 बजे तक फ्री हो सकते हैं अपन, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया फिर, लेकिन इतना प्रॉब्लम आई नहीं। ब्रेकफास्ट आप करके जाइए और रिलैक्स होकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल, आप 10-15 मिनट लेट भी हो तो आपको ले लेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। आई हैव स्मॉल डाउट्स फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, आई विल आस्क, इन अपलोडिंग ऑफ फोटो इन ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन में अपलोड करने पे बैकग्राउंड पर वाइट करना चाहिए आपकी फोटो, हाँ बैकग्राउंड वाइट करना है, वाइट, हाँ सम पीपल है अपलोडेड विद ब्लू बैकग्राउंड, इसकी प्रॉब्लम है? नहीं ऐसा का तो कोई प्रॉब्लम मतलब वहाँ आया ही नहीं है, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी, जो आप मतलब 10 दिन पहले अपलोड करवाए ना, 10 days पहले, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा ही नहीं है, मतलब वो तो मतलब एक मतलब उनके पास फोरम रहेंगे सारे, वो उसमें मतलब एक मैडम आएगी, वो मतलब आपसे वापस पूछेगी, मतलब जो आपने वहाँ पे डाला है ना उसके अलावा वो पूछेगी इसके बारे में। ओके, और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फ्रॉम माय सब्सक्राइबर्स, दे हैव ओनली वन मोल, मीन्स वन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थ्रू 10th class mark sheet फॉर दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होंगे, बट इन माई सब्सक्राइबर्स ही हैड वन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स विथ ई कैन अफिडेविट मेक एन अफिडेविट आर नॉट। 10th class के हिसाब से तो मतलब वो कुछ देख नहीं रहे, मतलब ऐसे जो आपने अभी 10 दिन पहले डाला है ना, okay. उस हिसाब से वो देख रहे हैं, मतलब इनमें आइडेंटिफिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं, मतलब okay, ऐसा okay. ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। और एक बार फिर मतलब डीवी होने के बाद फिर आपके रोल नंबर और नाम okay. के हिसाब से आपको एक कागज़ दिया जाएगा, कागज़ पे आपके रोल नंबर रहेंगे और आपका नाम रहेगा, वो आपके चेस्ट पे लगवाएंगे और आपकी मतलब जैसे कैमरे से पुलिस रनिंग में, हाँ जैसा वैसा वैसा आपको मतलब कैमरे से आपका फ़ोटो शूट, एक फ़ोटो क्लिक होगा, क्लिक हो गया मेरे हिसाब से, तो मैंने तो ये सुना था कि मतलब वो फ़ोटो यहाँ पे मेडिकल में आएगा उनके पास, तो वो वेरीफाई हो जाएगा एक तरह से, वेरिफिकेशन से मेडिकल, हाँ मेडिकल वालों के पास आएगा वो फ़ोटो मेरे हिसाब से, रोल नंबर और जो नाम है वो ऐसे बोल रहे थे, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएगा फिर यहाँ पे वो वेरीफाई कर लेंगे, मतलब मेडिकल में वेरीफाई हो जाएगा उससे। ओके ठीक है, ऐसा ओके ठीक है फ्रेंड्स, आप सब कुछ डाउट क्लियर हुआ है। आपकी कास्ट के बारे में थोड़ा, सम पीपल हैड मैनी प्रॉब्लम्स थ्रू कैस्ट के बारे में, NXZ1, NXZ2, SC/ST वालों, EBC वालों, ओके ना, यह आंध्र प्रदेश में EBC की सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ है, नहीं दे गवर्नमेंट ऑफिशियल से नहीं देंगे EBC के लिए, यह प्रॉब्लम हो चुका है सारे कैंडिडेट्स के। EBC का मैं बताता हूँ, EBC का जो हमारे 61 या 2 मतलब ऐसे शायद EBC उन्होंने बोला था, वो तेलुगु में बोल रहे थे, मतलब वो तेलुगु कहते थे 3 स्टूडेंट और उनसे तेलुगु में बात की जा रही थी, मतलब वहाँ पे मतलब भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो इंग्लिश में है, हिंदी में आप बात करना चाहते हो हिंदी में कीजिए, तेलुगु में आप बात करना चाहिए तेलुगु में कीजिए, तो मेरे हिसाब से मतलब वो EBC थे तो उनका भी DV हो गया था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे DV में किसी को बाहर नहीं किया गया, मतलब जो भी है 2-3 मेरे हिसाब से जो 30 में से 3 या 4 एब्सेंट भी थे, मतलब 90 में से, ओके 90 में से 3 और 4% एब्सेंट हुआ है, और एक पर्सन गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल लेकर जाता है उसको बाहर छोड़ दिया, वहाँ पे मतलब जो बैग और मोबाइल जमा करने का भी मतलब वहाँ पे सुविधा है, मतलब हाँ बैग रखने के लिए सुविधा है, बैग और मोबाइल रखने के लिए, फिर आप वापस आए आने के लिए अब वो दिया जाता है, हाँ और अगर फिर भी आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या आपकी फोटोकॉपी अगर आपकी कोई रह जाती है तो आपको मतलब टाइम दे देंगे, वो मतलब आप बाहर से जाके आप करा के ला सकते हो, DV में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक डाउट, आपके सारे हिंदी वाले लगभग 400 मेंबर्स सेलेक्ट हुआ है लगभग मेरे हिसाब से, ओके हाँ मेरा आई थिंक, ओके वो सभी आने के लिए कितना खर्च लगता है, मनी कितना लेकर आने के लिए, आपके ऑटो के लिए कितना है, बस के लिए, ट्रेन के लिए, वहाँ रहें गुंटूर में आप रहते हैं, आप बोलिए
एक दिन का 1000 1000 जैसे मैंने जो जयपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस की मतलब स्लीपर क्लास कराई थी, मतलब 700 वन पर्सन का मतलब वहाँ पे टिकट है, तो हम 2 पर्सन है तो मतलब 1400 रुपीज़ लगे मतलब यहाँ आने के। फिर हमको मतलब इतना आइडिया नहीं था मतलब, तो वहाँ पे मतलब ऑटो हम करके गए थे हम, तो ऑटो वाले ने 50-50 रुपये मतलब पर पर्सन के हिसाब से लिया था उन्होंने। तो हम तीन लोग थे, दो तो हम और एक और था डीवी करने वाला, डीवी करवाने वाला, तो वो 3 पर्सन हम गए, तो 150 रुपीज़ वहाँ से लगे। फिर वहाँ से लग के फिर हम मतलब फ्री हो गए थे, तीन बजे हम फ्री हो गए थे। 3 बजे फ्री होने के बाद फिर हम वहाँ से क्या नाम है, हमने सबसे पहले तो वहाँ पे मतलब ट्रेन देखी गुंटूर के लिए, क्योंकि हमने देखा कि मतलब अगर वहाँ रुकेंगे तो एक होटल वापस लेना पड़ेगा, फिर हम अगले दिन वापस आएंगे, फिर इधर होटल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का गैप बीच में था। तो हमने सोचा कि उधर से जब ही निकलने में मतलब फ़ायदा है, तो मतलब 200 रुपये की एक टिकट थी मतलब स्लीपर क्लास की, तो 2 टिकट हमने बुक कराई, ऑनलाइन बुक कराई, और 5 बजे की ट्रेन थी विशाखा एक्सप्रेस जो, हाँ, सिकंदराबाद से गुंटूर हमको 9:30 बजे समथिंग उतार दिए। फिर हमने यहाँ पे मतलब लॉज वगैरह ले लिया, और खाना मतलब ऐसे वन टाइम का मतलब 100 रुपीज़ में 1 पर्सन का हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब 2 पर्सन में 200 रुपीज़ या 250 रुपीज़ में आदमी पूरा अच्छा खाना खा लेता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे हमने रूम लिया, तो हमने रूम मतलब ऐसे डेज़ के हिसाब से नहीं लिया, हमने तो उनको सीधा ये बोला कि हमको 12 तारीख को सुबह मतलब 7 बजे हमको यहाँ से निकलना है, चेकआउट करना है, और हम 10 तारीख को 9 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। तो उन्होंने मतलब 1400 रुपये मांगा था, 1400 रुपीज़ मांगा, 1400 उन्होंने बोला था, क्योंकि 2 पर्सन है हम इसलिए, तो 1400 मांगा, डबल बेड है। तो फिर मैंने, हैं, 3 डेज़ की नहीं मतलब मतलब 1 डे और हाफ डे हो गया वो, एक तो तरह से 1.5 डे की, हाँ लगभग 400 रुपीज़, हाँ नहीं मतलब 1000 रुपीज़ में मतलब हमने डन कर लिया वो 1400। उन्होंने बताया कि वो तो 2 डेज़ में आ जाएगा, वो मतलब 1.5 डे 2 डेज़ में मतलब काउंट हो जाएगा, लेकिन फिर हमने मतलब 1000 में उनसे मतलब बोल लिया मतलब थोड़ा करके, और अच्छा रूम है मतलब वहाँ रुके हुए हैं। और फिर यहाँ पे हम अभी सुबह सुबह आए, तो फिर हम देख लेते एक बार कि मेडिकल कंफर्म कर लेते कि यहीं होगा क्या मेडिकल। फिर मैं अंदर जाके कंफर्म करके आया मेडिकल, उन्होंने बोला इसी हॉस्पिटल में होगा मेडिकल, मतलब जो आपका रिपोर्टिंग टाइम उस हिसाब से आ जाइए, और डीवी के बाद वो आपको ये बोलेंगे कि मतलब आपको सबसे पहले तो जब आपको मेडिकल में जाना है तो आपको बिल्कुल खाली पेट जाना है, आपको ना पानी पीना है ना आपको ब्रेकफास्ट करना है, बिल्कुल खाली पेट जाना है आपको, मतलब जो भी आपको टाइम दिया गया है उस पर। ऐसे एप्रेंट बोल रहा है सारे ट्रैवल चार्जेस लगभग 10,000 लगता है, आने के लिए, जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, फूड के लिए, लगभग हिंदी पर्सन्स कहाँ से, आप दिल्ली से, जयपुर से, बिहार से, कहाँ से आ रहा आप आ रहे हो, सबके लिए लगभग 10,000 लगता है, 2 पर्सन्स की 10,000 लगभग लगता है। हे फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, मन फ्रेंड मन हिंदी फ्रेंड పూర్తిగా అయితే చెప్పారు, నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మన తెలుగు వాళ్ళ కోసం బ్రదర్ చెప్పిందల్లా నేను ట్రాన్స్లేషన్ చేసి తెలుగులో చెప్తాను. ఇన్కి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కరియే, ఆర్ జో మతలబ్ డీవీకి బాత్ హై జో మే ఆప్కు బతాయి దియా హూ, ఆర్ జో కల్ మెడికల్ హోగా ఉస్కా ఎక్స్పీరియన్స్ భీ మే ఆప్కు పూరా బతాఊంగా బిల్కుల్ జో భీ హోగా. థాంక్ యూ, ఓకే థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పూర్తిగా మెడికల్ గురించి అయితే చెప్తాను, మెడికల్కి బారా మే నెక్స్ట్ డిన్ మై పూరా కర్తా హూ, వహా గుంటూరు డివిజన్ పర్ మెడికల్ హాస్పిటల్ హై రైల్వే స్టేషన్కి పాస్, ओके 1 मिनट की लगता है रेलवे स्टेशन से वहाँ, ठीक है ना, ठीक है ना, मैं कल मेडिकल के बारे में पूरा समाचार आपको दिया सकता हूँ, ठीक है ना. मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें फ्रेंड्स, बाय.